परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि चैप्टर आपका है दो चरों में रैखिक समीकरण, और ये चैप्टर आपको हम बताने वाले हैं जिसमें से सामान्य नियम की जानकारी आज आपको देंगे और इस पर कुछ एग्जाम्पल्स देने के पश्चात इसके क्वेश्चंस को आपको दिया जाएगा जिससे आप होमवर्क को सुटेबल तरीके से कर सकें। तो देखिए, ये परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल पर आपको नवीनतम अंक गणित या नवीनतम गणित पर आधारित जो आरडी शर्मा की मैथमेटिक्स है उससे आपको हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें से विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम्स में ये आपके लिए लाभकारी होगा, जिसमें आपको हम बता दें कि आज आप दो चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ेंगे, और यह है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जिसमें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर सामान्य नियम दिया है। पहला नियम है समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो, जहाँ ए कामा बी कामा सी वास्तविक संख्याएं हैं तथा यक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ऐसे लिखा है यक्स बराबर नहीं है, ऐसे इसको काट दिया गया है जीरो के, यक्स बराबर नहीं है जीरो के, जिसको हम पढ़ेंगे यक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और दूसरा है वाई इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वाई नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जिसको हम यह इस तरह से पढ़ सकते हैं। दो चरों यक्स तथा वाई में रैखिक समीकरण कहलाता है। तो जो ये आपको दिया गया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो, यह दो चरों में रैखिक समीकरण है जिसमें ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, यक्स तथा वाई ये चर हैं, नीचे दिए गए हैं। दूसरा नियम है कि एक्स इक्वल अल्फा वाई इक्वल बीटा दिए गए समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को संतुष्ट करेंगे। यदि आपको ऐसा दिया हो कि यक्स का कोई मान या कोई वैल्यू दी गई हो और वाई की कोई वैल्यू दी गई हो, और ये दोनों वैल्यूज समीकरण रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो को संतुष्ट कर रहे हों या करें, तब आप लिख सकते हैं कि स्मॉल ए इंटू अल्फा एक्स के स्थान पर प्लस स्मॉल बी इंटू बीटा प्लस सी इक्वल जीरो होगा। तीसरा नियम है कि मान लीजिए कि दो समीकरण, एक आपका है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल जीरो, और दूसरा है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल जीरो दिए गए हैं। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है, थर्ड नियम, इस तरह से दिए गए हैं। और इसमें कह रहा है कि दिए गए समीकरणों में पॉइंट फर्स्ट एक अद्वितीय हल होगा। एक अद्वितीय हल कब होगा, उसके लिए कंडीशन दी गई है यहाँ कि ए वन अपान ए टू नॉट इक्वल बी वन अपान बी टू बराबर नहीं है, यानी ए वन अपान ए टू बराबर नहीं है बी वन अपान बी टू के, तो एक अद्वितीय हल होगा इन दोनों समीकरणों के। अब यहाँ ए वन बी वन और सी वन, ए टू बी टू और सी टू के स्थान पर कोई भी वास्तविक संख्याएँ हो सकती हैं। दूसरा है कि अगर इस समीकरण के अनंत हल हों तो उस स्थिति में ए वन अपान ए टू इज इक्वल टू बी वन अपान बी टू इज इक्वल टू सी वन अपान सी टू होगा। इन रिवर्स प्रोसेस आप यह भी कह सकते हैं कि जब दो इक्वेशन आपको दिए गए हैं, दो लीनियर इक्वेशन, और वो भी टू वेरिएबल्स के हों, और उसमें ये कंडीशन, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो ए वन अपान ए टू नॉट इक्वल बी वन अपान बी टू, तो हम कह सकते हैं कि दोनों समीकरणों का केवल एक ही हल होगा। एक अद्वितीय का मतलब एक और केवल एक हल होगा, यानी x और y की एक एक वैल्यूज ही प्राप्त होंगी। और दूसरी कंडीशन में जो दिया है कि ए वन अपान ए टू
इज इक्वल टू बी वन अपान बी टू इज इक्वल टू सी वन अपान सी टू इन दिस कंडीशन बोथ इक्वेशंस आर मेनी सॉल्यूशंस, यानी ए वन अपान ए टू बराबर हो बी वन अपान बी टू बराबर हो सी वन अपान सी टू तो उपर्युक्त दिए गए दोनों समीकरणों के अनेक हल प्राप्त होंगे। इसके बाद देखिए इसी की तीसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन में आपको दिया है कि यदि यहाँ दिया है ना यदि का कोई हल नहीं हो, यानी इन दोनों इक्वेशंस का कोई हल ही ना प्राप्त हो, यानी ये दोनों इक्वेशन को हल नहीं किया जा सकता है एक दूसरे के बीच, तो उस स्थिति में कंडीशन आएगी ए वन अपान ए टू इज इक्वल टू बी वन अपान बी टू दिस नॉट इक्वल टू सी वन अपान सी टू। ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होती है ए वन अपान ए टू यह बी वन अपान बी टू के इक्वल हो लेकिन सी वन अपान सी टू उसे इक्वल ना हो, इन दिस कंडीशन बोथ इक्वेशन आर नॉट सॉल्वेबल, यानी दोनों इक्वेशन का कोई हल प्राप्त नहीं होगा। चौथा नियम आपका है दो समीकरणों ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल जीरो ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल जीरो, इसमें कंडीशन दिया है का हल केवल एक्स बराबर जीरो वाई बराबर जीरो होगा यदि ए वन अपान ए टू बराबर हो जाए बी वन अपान बी टू। इसका क्या होगा, केवल एक ही हल प्राप्त होगा, यहाँ सी वाली कंडीशन है ही नहीं, तो एक्स और वाई जब जीरो होंगे उस स्थिति में ए वन अपान ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपान बी टू होगा। तो फिर सेकंड पॉइंट दिया है अगर इन दोनों समीकरणों के अनंत हल होंगे तो ए वन अपान ए टू इज इक्वल टू बी वन अपान बी टू, क्योंकि यहाँ पे सी वन और सी टू इन इक्वेशंस में है ही नहीं, तो वह कंडीशंस इसमें नहीं दिखाई गई है। अगला पॉइंट इसी में है चौथे में, तो देखिए ये दो कंडीशंस इसके हुए, इतने नियम आपने पढ़े, सामान्य नियम जो आपके हैं दो चर रैखिक समीकरण के, आप चार नियमों को पढ़े हैं, इन चारों नियम की सहायता से कुछ एग्जांपल्स को हल कर लेते हैं। जैसा कि एक बार यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है इसको आप नोट कर सकते हैं और ये सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए लाभकारी होंगे। देखिए इसके दो चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ सामान्य एग्जाम्पल्स को हम लेकर चलते हैं, जिसमें आपका पहला एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ आपको स्क्रीन पर जो है दो एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं, इन्हीं दोनों एग्जाम्पल्स को आप गौरपूर्वक देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें दिया है कि यदि 3x + 7y बराबर 75, एक इक्वेशन है, इसमें भी दो चर हैं एक्स और वाई। इसके बाद फिर दिया है 5x + 5y = 25 हो तो एक्स धन वाई का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के रूप में इंकित किया गया है। इसके बाद क्या किए हैं कि इसमें से किसी एक के कोफिशियंट्स एक्स और वाई किसी एक के गुणांक को क्या करते हैं, बराबर करते हैं, और बराबर करने के पश्चात समीकरण को जोड़ते अथवा घटाते हैं। तो जैसा यहाँ दिया गया है एक को 5 से तथा दो को 7 से गुणा करके जोड़ने पर, समीकरण एक में 5 से और समीकरण दो में 7 से गुणा करके जोड़ दिया गया, तो जोड़ेंगे, देखिए 5 से गुणा करेंगे समीकरण एक में तो आएगा 15x धन 35y बराबर 5 से गुणा हो जाएगा 75 में, तो यहाँ भी ये आपका आएगा, यहाँ 75 में जब 5 से गुणा करेंगे तो 175 यानी 5 × 25 और 5 × 7 = 35, 35 × 2 = 37, 175 35 × 2 = 37 375 आएगा, 75 में जब 5 से गुणा करेंगे। उसी प्रकार से समीकरण दो में 7 से गुणा करेंगे तो y वाले टर्म में 35 ही आएगा, x वाले में
35, वाई वाले में भी 35 हो जाएगा, लेकिन यह वाई का टर्म आप देखिए, एक का प्लस है एक इक्वेशन का और दूसरे इक्वेशन का माइनस है, इसीलिए यहाँ पे इसको जोड़ा गया है। और जोड़ेंगे ये वाई वाले टर्म कट जाएंगे, एक्स वाले टर्म जुड़ेंगे, एक्स वाला टर्म यहाँ जोड़ करके लिखा गया है 15x धन 35x बराबर 375 धन 175। 375 पहले इक्वेशन का दाहिनी तरफ का मान है और 175 दूसरे इक्वेशन के ये राइट हैंड साइड्स की वैल्यू है। और यहाँ 15x और 35x जोड़ेंगे तो 50x और 375 और 175 जोड़ेंगे तो 550। 50x में 50x बराबर 550, तो x इक्वल होगा 550/50 और x की वैल्यू 11 आ गई। अब x की वैल्यू चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए या इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए, और रखने के पश्चात आपको मिलेगा कि y की वैल्यू 6 प्राप्त हो रही है। तो x और y की वैल्यू 6 है, तो x प्लस y की वैल्यू क्या होगी ये आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। x की वैल्यू 11 है, y की वैल्यू 6 है, तो यहाँ से ये आपका 11 और 6 17 एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड होगी। उसी प्रकार से ये देखिए, गौर से समझने की बात है, यहाँ यदि आप थोड़ा ध्यान देंगे ये सभी प्रश्न बहुत ही आसानी से होंगे। फिलहाल यहाँ आप दूसरे एग्जांपल्स को देखिए, दिया है एक्स प्लस 1/y इक्वल 5, 2x प्लस 3/y इक्वल 13, तो 2x माइनस 3y का मान क्या होगा। यहाँ भी दो इक्वेशंस दिए गए हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो यहाँ सॉल्व करने के लिए आप देख लीजिए कि समीकरण दो में 2x है, समीकरण एक में 1x है, तो समीकरण एक में आप 2 से गुणा करके घटा लीजिए, 2x से 2x कट जाएगा और यहाँ 2/y हो जाएगा, यहाँ दूसरे में 3/y है, घटाएंगे तो -1/y बराबर आएगा -3, तो y बराबर 1/3 आएगा, y का मान 1/3, y का मान 1/3, तो x का मान इसी में रख दीजिए, 1/y का मान 3 हो जाएगा, तो x का मान 2 आएगा, 1/x का मान 2 आएगा तो इसमें मान रखेंगे तो यह भी आप इसकी वैल्यू प्राप्त कर लेंगे, तो 2×2=4x, यानी x के स्थान पर 2 रखेंगे 4, और ऋण यहाँ 3y मीन्स 1/3 है, तो ऋण 1, अर्थात इसकी वैल्यू जो आएगी वह 3 प्राप्त होगी। और आज आप केवल इन्हीं दो एग्जांपल्स के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इसके बाद हम इस तरह की आगे की वीडियोस को प्रोवाइड करेंगे और इस पर प्रश्नावली को भी आपको हम देंगे, और आप यदि इस चैनल पर नए हों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रत्येक दिन की वीडियोस को प्राप्त करें। थैंक यू।